हेलो एवरीवन, पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एकदम सिंपल तरीके से बिना क्रीम और बटर के सिर्फ चार मसाले का इस्तेमाल करके बेहद टेस्टी और मजेदार ढाबा स्टाइल काजू पनीर मसाला सब्जी बनाएंगे। तो झटपट सी बन के रेडी हो जाए ऐसी काजू पनीर मसाला सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसे रफली चॉप करेंगे। प्याज को चॉप कर दिया है, इसे कुकर में डाल देंगे। दो टेबलस्पून काजू का टुकड़ा डालेंगे, एक कप पानी डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके तेज आंच पे दो सीटी तक कुक करेंगे। कढ़ाई में दो टेबलस्पून तेल डालेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज की पतली और लंबी स्लाइस की है, ये आधा कप है, ये डाल देंगे। तेज आंच पे लगातार चला के प्याज को गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक फ्राई कर दिया है, निकाल लेंगे। तेल कढ़ाई में ही रखना है। एक काजू का दो पीस करके लिया है इस तरह से, एक चौथाई कप काजू का पीस है। कढ़ाई में जो तेल बचा है इसी में हम डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे काजू लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे भूनेंगे। काजू लाइट ब्राउन हो गया है, निकाल लेंगे। प्याज और काजू को किया है, उसका कुकर भी ठंडा हो गया है तो देख लेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है, अच्छे से कुक हो गया है। इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। ये प्याज का पानी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे और इसे धो लेंगे। ये प्याज और काजू को मिक्सर जार में ले लेंगे, एक चौथाई कप पानी डाल देंगे। इसे ग्राइंड करके एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसे ग्राइंड करके एकदम स्मूथ पेस्ट बना दी है। कढ़ाई में जो तेल बचा है इसी पे हम पनीर को फ्राई करेंगे। 200 ग्राम पनीर का क्यूब करके लिया है, ये अंदर डाल देंगे। तेज आंच पे पनीर को फ्राई करेंगे। तेज आंच पे सिर्फ 2 मिनट के लिए पनीर को फ्राई किया है, गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये एकदम हार्ड हो जाएगा। 2 कम तीखी वाली हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 लहसुन की कली ली है, इसे चॉपर में डाल के एकदम बारीक चॉप करेंगे। ग्रेवी बनाएंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, 1 तेज पत्ता है इसे तोड़ के डालेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, खड़ा मसाला और जीरा को लाइट ब्राउन भुनेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची को एकदम बारीक चॉप किया है, ये डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनेंगे। 1 मिनट इसे भून लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के लिया है, ये आधा कप है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे भुनेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। 2 बड़ी साइज का टमाटर बारीक काट के लिया है और ये 1 कप जितना है, ये डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे टमाटर को कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट टमाटर को कुक किया है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। स्पेचुला से इस तरह से दबा के टमाटर को मैश करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, ये सब अंदर डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाले को 1.5 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाले को अच्छे से भून लिया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। प्याज और काजू की पेस्ट बनाई है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ग्रेवी को 2 मिनट के लिए कुक किया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। मिक्सर जार में 1/4 कप पानी डाल के लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ग्रेवी को कुक करेंगे। ग्रेवी को अच्छे से भून लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून पानी और डालेंगे।
ग्रेवी का टेक्सचर एकदम क्रीमी हो गया है। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। पनीर फ्राई किया है ये डाल देंगे। काजू फ्राई किया है और प्याज फ्राई किया है ये दोनों डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। फ्रेंड्स सब्जी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। 2 मिनट धीमी आंच पे कुक किया है और तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ढाबा स्टाइल काजू पनीर मसाला रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। झटपट से बन के रेडी हो जाए ऐसी ढाबा स्टाइल बहुत ही टेस्टी और मजेदार काजू पनीर मसाला सब्जी बन के रेडी हो गई है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।